तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम के कुछ बेसिक फीचर्स, मैंने फीचर्स कह रहा हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स और कैसे निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ तुम्हें पता नहीं है ना? गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बदले में वो हमसे टैक्स लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके के होते हैं। डायरेक्ट जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनडायरेक्ट जो हम जिसकी लायबिलिटी हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स प्रोडक्शन एंड सेल्स, सामान बनाने पे और उसे बेचने पे जो खर्चा हो रहा है उसमें अगर गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट या असिस्टेंस यानी कुछ पैसे कम कर देती है, इसको हम कहते हैं सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज हम माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है उसका नेट, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक। अभी देखो तुम्हें ना नेशनल इनकम कैलकुलेट करते करते ना ये याद रखना है, नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है, ग्रॉस मतलब सम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाना है, अच्छा, और ग्रॉस से नेट पे कैसे आना है ये भी पता होना चाहिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आना है ये भी पता होना चाहिए, और नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे जाना है। भाई नेशनल इंटरनेशनल फॉर्म में आया क्या क्या करता है, ठीक है। तो पहले एक को स्टडी करते हैं कि हम वो क्या है, नेट से ग्रॉस में कैसे जाना। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से, याद है मैंने पढ़ाया था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम जो पैसे लगाते हैं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद साल के एंड में अगर मैंने और पैसे लगाया उसमें सब क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन, उसके बाद में वो क्या मिलता है, नेट इन्वेस्टमेंट। देखो तुम्हें याद अगर रखना है ना, सिंपल सा लॉजिक है, ग्रॉस मतलब टोटल सब, ठीक है, नेट मतलब एक्चुअल डिफरेंस, टोटल जो था या है, एक्चुअल मतलब जो रियली में है उसमें अभी है प्रेजेंट में। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, देसी एग्जांपल, तुम सबके घरों में सिलेंडर आता है ना, उस सिलेंडर का वेट बता दो मुझे, भरे हुए सिलेंडर का 29.5 बीच का ले लेते हैं, ठीक है, उतना ही होता है 29.5। अच्छा ये आपका टोटल, ठीक है, ग्रॉस 29.5। अच्छा मैं अगर पूछूं मेरे काम की चीज उसमें कितनी है, 15 किलो, वो है आपका नेट, 14.5 किलो। उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, जो मेटल है उसका वेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट से ग्रॉस में जाना, ठीक है, ग्रॉस है हमारा टोटल, इससे मेरे को नेट में आना है डिफरेंस। तो अगर मैं नेट में प्लस कर दूं डेप्रिसिएशन तो मेरे को क्या मिल जाता है, ग्रॉस। अच्छा अब क्या बताने की जरूरत है कि अगर तुम्हें नेट गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है तो ग्रॉस निकालोगे, लेकिन अगर ग्रॉस गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है तो इधर ले जाओ माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, इसको इधर ले जाओ माइनस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ठीक है। कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं है, ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है। तो अगला कौन सा, एमपीएफसी कैसे आता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगेन मैं पूछ नहीं रहा हूँ तुमसे, तुम चुप रहो, ठीक है, वो आया है उसको पढ़ने दे। पता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, स्कूल में पढ़ा है,
नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देख हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो चार फैक्टर्स हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करते टाइम। लैंड, लेबर, कैपिटल, क्योंकि लाइन में यही है भाई पहले, क्योंकि सबसे फर्स्ट लैंड, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भाई बिजनेस खोलेगा, अगर देखो बिजनेस ओपन करना है तो सबसे पहले जमीन देख के आएगा कि नहीं देख के आएगा कि इस जगह मेरे को बिजनेस सेटअप करना है। लैंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर तू है भाई, अलग ही वो है। और ऐसे समझ कि अगर बिजनेस चल भी गया तो अब जो पैसे बांटेगा सबसे पहले किसको, जहाँ लैंड है उसके ओनर को रेंट देगा, ठीक है। अगर मतलब तेरा खुद का है तो अलग बात है, हाँ तब तो वो रेंट दे रहा है। उसके बाद जो लेबर है उनको वेजेस, कैपिटल, कैपिटल लगाया है मालिक ने, इंटरेस्ट मिलेगा, यस उस पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट। ये हो गया आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, 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 प्रॉफिट और प्रॉफिट। अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए, सामान बनाने के लिए मेरे को ये सारी चीजों का खर्चा करना पड़ा ना, फैक्टर्स को एक्वायर करने के लिए ये सारी कॉस्ट लगी, बिल्कुल, इन सब कॉस्ट कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, यानी अगर तूने सामान कोई बनाया है तो ये सारा खर्चा आया होगा, मार्केट में उसको अगर बेचेगा तो क्या इतनी इन्हीं प्राइस पे बेचेगा, तूने सामान बनाया 100 रुपए रेंट चले गए, 100 रुपए वेजेस चली गई, 100 रुपए का इंटरेस्ट लेग से पे कर दिया और 100 रुपए प्रॉफिट, तो सामान क्या 400 में बेचेगा, 400 एक्स्ट्रा में बेचेगा ना, तो एक्स्ट्रा क्या है, नहीं प्रॉफिट ही ना, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, वो एक्स्ट्रा क्या है, टैक्स, टैक्स 400 में मार्केट में 400 में नहीं बिकेगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, अभी बताया ना, कर दिया, ठीक है। तो 400 पे वो सामान तो मार्केट में नहीं बिकेगा ना, अभी मैंने बताया जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना सरकार उस पे टैक्स जोड़ती है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं टैक्स ऐड कर दूं, और टैक्स कौन सा, जीएसटी, अरे नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, टैक्स तो प्लस करोगे ही करोगे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, और साथ में उसमें से माइनस करोगे सब्सिडी, हो सकता है कि सरकार ने आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रखी हो, हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं आप, अभी यहाँ हिंदी का कोई है नहीं, अच्छा अगर मेरे को फैक्टर कॉस्ट को एमटी में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसमें हम प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। अच्छा, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट ना दिया और लिखा नहीं है नेट इनडायरेक्ट, लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है और सब्सिडीज लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, एमपी निकालना है, फैक्टर कॉस्ट उठाया, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दो, माइनस कर दो सब्सिडीज, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इनमें से कोई भी अगर एक चीज मिसिंग है तो तुम बाकी निकाल सकते हो सकता है ये गिवन हो फैक्टर कॉस्ट ना हो, क्या करो, माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को दे ले जाओ माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक है, वो प्राइस जिस पर प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। तीसरा कौन सा, नेशनल से डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक अगेन घरेलू, याद है ना क्या होता है डोमेस्टिक, यस घरेलू, अगेन हिंदी में नहीं पूछा मैंने, डोमेस्टिक हाउसहोल्ड का मतलब, वेरी गुड, डोमेस्टिक हाउसहोल्ड, थैंक यू यार, शाबाश, डोमेस्टिक मतलब विद इन द इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में सिखाया था, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, एम्बेसीज और फिशिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक मतलब अगर हमारा देश है और इसमें प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसको मैं डोमेस्टिक काउंट करूंगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो देश से बाहर है लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर काउंट की जाती है,
फॉर एग्जाम्पल बाहर की एम्बेसीज वो इंडिया के अंदर काउंट होंगी, इंडिया की जमीन है वो, ठीक है। यहाँ से बाहर जाने वाले और बाहर से यहाँ आने वाले एयरवेज और वाटरवेज, ठीक है, जो प्लेन जा रहे हैं या फिर वाटर से शिप्स जा रहे हैं, वो भी इंडिया के रास्ते में काउंट, इंडिया के रास्ते आ रहे हैं ना, तो इसलिए वो इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्री में कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, और बाहर अगर कोई फिशिंग वेसल है या कोई समुद्र के बीच कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे देश के लोग जाके काम करते हैं, ठीक है, हाँ, कोई ऑयल रिफाइनरी है, तो वो भी हमारे इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंदर कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में तुम्हें डोमेस्टिक और नेशनल आएंगे, अभी बहुत सारे आएंगे, NDPFC, GDP, NNP, ये सब चीजें आएंगी। अगर डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे? सिंपल सा एक लॉजिक है, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश का, सिर्फ हमारे देश का होम कंट्री, ठीक है, जो हमारे देश में खुद ने कमाया है या खुद ने बनाया है, तो वो होगा हमारा डोमेस्टिक। अगर मेरे को इसे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, नफीफा नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। हम बाहर देश में एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो बाहर से पैसा आएगा, ठीक है। अगर मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, बाहर से सामान मंगवा रहा हूँ, तो यहाँ से पैसा जाएगा। सोच लो, बाहर से अगर ₹1,000 आए, रुपए नहीं वैसे डॉलर्स में होता है, बाहर से $1,000 आए और यहाँ से 800 गए, तो 200 एक्स्ट्रा मेरे पास आए है ना, ये मेरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो मैंने बाहर से कमाई है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है ये 1200 हो, इसका मतलब यहाँ से ₹200 ज्यादा गए हैं, ये हो गया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, डोमेस्टिक मतलब जो मैंने अपने देश में कमाया है, नेशनल मतलब बाहर वाला जो कमाया है ना वो भी इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, वो पॉजिटिव हो सकता है तो ऐड करोगे, नेगेटिव हो सकता है तो माइनस कर दो, यानी वो पैसा जो हमने बाहर देश से कमाया है या बाहर देश को भेजा है ना, उसको यहाँ एडजस्ट कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? नेशनल। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे नफिया या फिर नफीफा, जो भी तुम्हारे बुक में लिखा हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक ना गिवन हो और ये गिवन हो, तो फिर डोमेस्टिक निकालना है तो नफीफा क्या कर दोगे उसमें से? ये सेम ही चीज है, बेसिक मैथमेटिक्स तो आती होगी, भाई तेरे लिए तो सब इजी है भाई, टॉपर है भैया, आपने ट्यूशन का टॉपर थोड़ा सा ऊपर ले लो उनको, अरे टॉपर नहीं है भाई, तू ये भी तो देख पढ़ा कौन रहा है, हां भैया ठीक है जो माने। अच्छा, सुनील ग्रोवर है लगता है क्या तुम सुनील ग्रोवर जैसा, सही बता, हां अगेन नफीफा तुम्हें डायरेक्ट ना गिवन हो, ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से जो पैसा आया है यहाँ से जो पैसा गया ये पहले से माइनस करके दिखाओगे, लेकिन हो सकता है कि डायरेक्ट ना गिवन हो, तुम्हें दे दे कि बाहर से कितना पैसा आया और यहाँ से कितना है, माइनस करके निकाल दो, तो तुम माइनस कर दोगे और फिर से यहाँ एडजस्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो लिखवाने की जरूरत है? नो भैया, कर लोगे? क्वेश्चन में देखा मैंने, बच्चों की बात है, लिखवा दो, वो क्वेश्चन में फिर कुछ और गिवन होगा जिससे हम ये निकाल पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे, लिखवा दो, ऐसा क्वेश्चन लिया ले भाई, नेशनल इज इक्वल माइनस डोमेस्टिक, हाँ। अच्छा, बाहर से जो पैसा आया उसे ऐड कर दो, फैक्टर यहाँ से जो गया उसे माइनस कर दो, फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इसमें से जो बाहर पैसा भेजा है उसको माइनस कर दो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यस। थैंक यू, ठीक है, ठीक है।
कोई डाउट किसी को? सब समझ आया? यस ठीक है, पॉज करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीडीपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ पता है हमें। या या ले भाई फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, तू पूछ रहा बस। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एज एन इकोनॉमी स्टूडेंट तुम लोगों के बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। और अगर तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते हो ना तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इससे एक दो क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, ठीक है। अनलेस अंटिल तुम आईएएस नहीं बनना चाहते, यूपीएससी में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन इसमें, हर साल नहीं, हर दो तीन साल में एक क्वेश्चन पक्का इस चैप्टर से बनता है, ठीक है। अब जीडीपी होती क्या है, होती क्या है बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, ठीक है। क्या यूज है, कोई बता सकता है जीडीपी का यूज क्या है? कंपेयरिंग, गुड, सही बात है। क्या कंपेयरिंग? पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, कर रहा हूँ, कोई बात नहीं सुन लेंगे। इट रेफर्स टू The value of all final goods and services produced. Don't repeat. Okay. Produced within the domestic boundary of a country within a accounting year. ठीक है, नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली चीज वहां पे मेंशन है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया? ग्रॉस मतलब टोटल, ठीक है। हम अपनी कंट्री में जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टोटल, ठीक है, जितना हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रखा है। अच्छा, डोमेस्टिक मतलब विद इन द इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, और मैंने तुम्हें इकोनॉमिक बाउंड्री बता रखा है कहां कहां होती है, ठीक है। इस इकोनॉमिक बाउंड्री में जो भी सामान मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मेरा किस में है? जीडीपी बना है, ठीक है। और एक और बात, इन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर सबको पता है, या या। एक अप्रैल से 31 मार्च, इसी के बीच में अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी जीडीपी। किसी गिवन पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में, हमारे देश में इकोनॉमिक बाउंड्री में कितना सामान टोटल प्रोड्यूस हुआ है उसको हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब जीडीपी एक तो कैलकुलेट क्यों करते हैं, ये एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब दर्शाता है। हाँ, क्या दर्शाता है? पिछले साल हमारे देश की ग्रोथ, और हमारे नहीं सभी देश की ग्रोथ। लेट्स से किसी का पुराने टाइम का जीडीपी 2 ट्रिलियन है, और आने वाले नेक्स्ट ईयर में उसकी जीडीपी बढ़ जाती है 2.5, 2.3 या 3 हो जाती है, तो ये ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है। ग्रोथ नापेंगे इसमें जीडीपी, एक्यूरेट, देखो एक्यूरेट और इनएक्यूरेट की बात अलग है, डिपेंड करता है मैं कैलकुलेट क्या करता हूँ। शोर होता है ना, गुस्सा आता है, ठीक है। अब जैसे जीडीपी हम देखते हैं डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, हमारे देश में डेवलपमेंट कितनी हो रही है। दो कॉन्सेप्ट है, एक डेवलपमेंट और एक होती है ग्रोथ। ग्रोथ इज वाइडर कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट इज नैरो कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट मतलब जीडीपी का बढ़ना। अच्छा, अब अगर क्या, अगर जीडीपी बढ़े तो क्या जरूरी है कि ग्रोथ हो रही है? नहीं भैया। क्यों?
प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब जरूरी थोड़ी है कि सब लोग खुश भी हैं। ग्रोथ ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है। इसमें तुम्हारे पास जीडीपी तो कैलकुलेट होगा ही होगा, साथ में एचडीआई भी कैलकुलेट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है? वो हम दूसरी बुक है उसमें पढ़ेंगे आराम से। सीरियस पढ़ने का मुझे तो ये है, ठीक है? इसको हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम खुद की ग्रोथ को मेजर कर सके कि हमने पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी ग्रो की है, ठीक है? उसके अलावा दूसरी कंट्रीज से भी कंपैरिजन करने में बेनिफिशियल है। दूसरी कंट्री की जीडीपी कितनी है, उन्होंने कितना सामान बना, हो गया? अच्छा, जीडीपी हम जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं दो तरीकों से। एक होता है आपका जीडीपी एट एमपी, दूसरा होगा आपका जीडीपी एट एफसी एफसी, ठीक है? जीडीपी और जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी में क्या फर्क है बता सकते हो? मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है? हाँ, अगर मैं सिर्फ फैक्टर कॉस्ट की बात करूं जो मैंने तुम्हें बताया, लैंड लेबर कैपिटल और इनको जो हमने इनके बेनिफिट्स पे किए थे, जैसे एक्सपेंसेस और वेजेस प्रॉफिट और इंटरेस्ट, वो पे के उस वैल्यू पे अगर मैं सामान प्रोडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसको हम कहते हैं जीडीपी एट एफसी, ठीक है? अगर मैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को भी एडजस्ट कर दूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी एडजस्ट कर दूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी एट एमपी एमपी। अब तुमने वो सीख लिया ना कैसे हम एमपी से एफसी पे जाते हैं, ये बहुत ईजी हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए। अगर मान लो तुम्हें जीडीपी एट एफसी गिवन है क्वेश्चन में और तुम्हें क्या लाना है? जीडीपी एट एमपी एमपी, तो कैसे लाओगे? नेट इनडायरेक्ट एफसी को चेंज करना है किसमें? एमपी में, ठीक है? एफसी को एमपी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? एनआईटी प्लस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं, या फिर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दो और सब्सिडी को माइनस कर दो, सेम ही चीज है। तो यहाँ पे आप प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स और इससे आपको मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी एमपी, मार्केट प्राइस, ठीक है? कोई मुश्किल नहीं, नहीं है। अच्छा, तो इतना नोट करो, ठीक है? अच्छा, जब मैं मार्केट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस मार्केट वैल्यू पे हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कहाँ कैलकुलेट हो जाए? ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है? उसके बाद अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो वो किस पे हो रहा है? फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर वैल्यू, नेट 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 इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्ट हो गया, वो है ग्रॉस मनी वैल्यू, ग्रॉस मनी वैल्यू, इसको हम कहते हैं ग्रॉस मनी वैल्यू। अच्छा, अब सिंपल सा तुमसे सवाल पूछूंगा, आराम से बताना। अगर जीडीपी है, ठीक है, और मुझे क्या है ना, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल जो हमने प्रोडक्ट बनाया प्रोडक्शन किया है पूरे सम फाइनेंशियल ईयर में, उन सब का सम जीडीपी कहलाता है। अच्छा, क्या एक्चुअल में ये सही है? नहीं नहीं भैया, क्या गड़बड़ दिख रही है तुम्हें इसमें? भैया मार्केट अप डाउन हो रही है, उसकी प्राइस गिर रही है, इन्फ्लेशन, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात बताओ, ग्रॉस मतलब टोटल, तुम्हें सिलेंडर में से क्या लोहे के सिलेंडर का भी काम है? नहीं नहीं भैया, सिर्फ गैस का काम है ना, तो अगला काम हम क्या करेंगे निकालने का? लोहा निकाल देंगे, गैस निकालने का, नेट वैल्यू निकालेंगे। अगर मेरे को जीडीपी में से नेट वैल्यू चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यू मैंने प्रोड्यूस की है, अच्छा हो सकता है पुराना कुछ सामान रहा हो, देखो कोई बिल्डिंग है, लेट्स है, लेट्स से मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है? अच्छा, इस बिल्डिंग को मैंने बनाया ना 2022 में, तो ये उस साल की जीडीपी में कैलकुलेट होगा? यस, इस साल में नहीं होगा। और 2023 को अगर मैं कैलकुलेट करूं
उसकी जीडीपी कैलकुलेट कौन? तो वहां तो ये कैलकुलेट पहली बात तो नहीं होगा, लेकिन इस साल इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा ना। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, हाँ भाई लगता है बिल्डिंग। अरे भाई एक एग्जांपल समझ ले, हो सकता है क्यों नहीं लग सकता बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन? उसके तो प्राइस बढ़ते हैं ना, लैंड लैंड के बढ़ते हैं। अभी उसको छोड़ दो, जैसे कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मेरे पास कोई फिक्स एसेट है, इधर ध्यान दो, अगर मेरे पास कोई फिक्स एसेट है जिसे मैंने 2022 में बनाया, और अगर मैं 2023 में जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूँ, उस साल पुरानी वाली फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, उसको यहाँ से एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को जीडीपी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किस पे आना है? नेट जीडीपी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे मेरे को चेंज करना है किसमें? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं एनडीपी का। एनडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट पे हो सकता है, और अगेन मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले मेरे को जीडीपी से किस पे आना है? एनडीपी पे। मेरे को जो ग्रॉस से नेशनल पे आना है, किससे? ग्रॉस से नेट पे भैया, सॉरी वो फिर तो मैंने यहाँ ये जी ही रहेगा यहाँ पे, नेशनल ग्रॉस नेट प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, सही लिखा था। अरे वो हो जाता है कभी-कभी, पता है मुझे अपोलोजाइज होता है, लेकिन वो होता नहीं है कि कुछ वर्ड में होते हैं कि वैसे ही बोलने में मजा आता है। जैसे स्प्लेंडर को क्या बोलते हो? क्या कर रहे हो यार? तो जीडीपी से हमें किस पे आना है? एनडीपी, नेट 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 डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट ग्रॉस से किस पे आना है? नेट पे। नेट पे कैसे सिखाया था? ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करके माइनस। तो अगर मैं जीडीपी से माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में गिवन होगा डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ठीक है, ये वैसा नहीं है जैसा तुमने अकाउंट से सीखा था कि रेट गिवन है, वो सब नहीं। डेप्रिसिएशन की सीधा वैल्यू उसका डेप्रिसिएशन गिवन होगी, सीधा माइनस करेंगे ना कंजम्पशन करेंगे। हां क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। हो सकता है तुम्हें वहां मेंशन हो कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। अगर तुम फिक्स एसेट को यूज करोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो डेप्रिसिएशन का दूसरा ही नाम है कंजम्पशन ऑन फिक्स एसेट। अच्छा, जीडीपी में से तुमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, एनडीपी, एनडीपी। ठीक है, अच्छा एनडीपी अगर एफसी में है, अगर ये एफसी में है तो ये भी तुम्हें एफसी में ही मिलेगा। एफसी से अगर तुम्हें एमपी में आना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो क्या करोगे? प्लस NIT प्लस कर दो, NIT इंडेक्ट को प्लस कर दो। ठीक है, अच्छा अगर ये एमपी में है, ये भी एमपी में, तो ये भी आपको एमपी में मिलेगा, एमपी में ही मिलेगा। अच्छा, इससे अगर मेरे को एफसी पे आना है तो माइनस कर देंगे, माइनस कर दोगे NIT इंडेक्ट। बोलो समझ आया? यस। कुछ नोट करना है यहाँ से तो एनडीपी हेडिंग डालो और लिखो, नोट करना है पहले, पहले लिख लो, पहले लिख लेना, तो बहुत होगा। एनडीपी की डेफिनेशन लिखो, एनडीपी एट, सिर्फ एनडीपी लिखो। एफसी हो जाएगा तुम्हारा, एफसी अगेन नेट मनी वैल्यू, अगर एफसी एनडीपी एट एफसी होगा तो नेट मनी वैल्यू, एनडीपी एट एमपी होगा तो ग्रॉस, सॉरी नेट मार्केट वैल्यू, हाँ नेट मार्केट वैल्यू। ठीक है, एनडीपी की डेफिनेशन लिखो। यस सर, काम गई। इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू। मैं एमपी वाले की फुल फॉर्म बता रहा हूँ डेफिनेशन, of all goods and services produced within the domestic territory या domestic boundary
ऑफ अ कंट्री डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, इतना नोट हो गया. ठीक है, बाकी अभी हमने क्या सीखा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी. हमने ग्रॉस को नेशनल में, सॉरी नेट में कन्वर्ट किया. अच्छा, अब हो सकता है मैं डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कर दूं. ठीक है, और अगेन एनडीपी के साथ भी मैं क्या कर दूं, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज कर दूं, तो हो जाएगा एनएनपी. हाँ, एनएनपी हो सकता है और जीएनपी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. और एक्चुअल में पता है क्या, नेट जो नेशनल इनकम होती है ना, नेशनल इनकम मतलब हमारी राष्ट्रीय है, वो एक्चुअल में होती है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम. ठीक है, ये सारे तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं. ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.